अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पारो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। संदूक से ही नहीं, बहुत जल्द हम तुम्हें इस घर से भी बाहर निकालेंगे मोहिनी। घर से निकालोगी? क्यों? एक तो पहले तुम मुझे संदूक में बंद कर चुके हो, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, तो मुझे घर से क्यों निकालना चाहती हो? और तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा क्या? इस घर पे आधा हक मेरा है, ये आधा घर मेरे नाम पे है, तो तुम मुझे जाकर भी बाहर नहीं निकाल सकती। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारा ये भ्रम भी बहुत जल्दी टूट जाएगा। अरे वाह, इसने तो मेरा काम और आसान कर दिया। जल्दी जल्दी में त्रिशूल लगाना तो भूल ही गई। पारो, चीची वो पारो ये संदूक के ऊपर त्रिशूल लगाना ही भूल गई। रमा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे सबसे जहरीला सांप चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए। चीची, आपको तो पता है ना कि मुझे सांपों से कितना डर लगता है। चीची, वैसे भी आप मेरी बात मानिए तो आप ये संदूक के अंदर ही ना चुपचाप पड़ी रहिए, क्योंकि वो पारो वैसे भी आपको घर से निकलवाने वाली है। क्या बकवास कर रहे हो? ये देखिए जीजी, उस बुड्ढे ने ना सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स बदलवा दिए। वो देव और पारो बच्चों को वो सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करने वाला है। इसकी इतनी हिम्मत? इस बुड्ढे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा सर, हमारे बच्चे दादाजी ने जाने किस हाल में होंगे, कुछ कीजिए ना। और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अभी इस किताब में आ जाएंगे, थोड़ा सब्र रखो। इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो खाली है। अभी सब कुछ दिखेगा। जीजी, क्या हो रहा है आपको? चीची, आप ठीक तो हो ना? रमा, मेरा सर दुख रहा है, ऐसे क्यों? ये सब क्या है? ये हमने मोहिनी को अपने जाल में फंसाने के लिए चाल चली थी, और मोहिनी हमारे जाल में फंस गई है। हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कैसे बचाएं अपने बच्चे को? ये सब क्या हो रहा है? तब तक मोहिनी ने किया, आपने देखा ना बोलबुला सरगम की लाल लाल आंखें। हमने कागजात बनवाएंगे, ये सारी जायदाद तुम्हारे देव और बच्चों के नाम करेंगे। पारो, तुम्हें एक काम करना होगा, मोहिनी के संदूक से उस त्रिशूल को निकाल दो। पर दादाजी, जितना कहा है उतना करो। जी। जी, हम कुछ समझे नहीं। पारो, हमने उन प्रॉपर्टी के कागजों पर मायावी धूल लगा दी थी, और वो प्रॉपर्टी के कागज रंबा के जरिए मोहिनी तक पहुंच गए। अब जैसे जैसे मोहिनी अपने माथे को हाथ लगाएगी, वो मायावी धूल उसके दिमाग में चली जाएगी, और पिछले दो दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो सब इस किताब के पन्नों पर उतर जाएगा। आपने तो उस चुड़ैल को चकमा दे दिया।
हे भोलेनाथ, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मोहिनी की मदद चाची जी ने की। जी जी, धमाका तो इतना बड़ा हुआ पर हुआ कुछ नहीं। हुआ ना रंभा, मैंने उस नागिन के ऊपर ऐसी शक्ति छोड़ी है जिससे देव को छोड़कर अगर वो किसी के सामने भी नागिन के रूप में आई तो उस इंसान की आंखें जलेंगी और वो हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। क्या बात है जीजी, क्या बात है, सही में सौ में जीजी हैं। पर जीजी बच्चे, उनके साथ आप क्या करेंगी? उनके ऊपर तो मैंने असुर सिद्धि कर दी है रंभा, और वो शैतान बन चुके। इसीलिए जब तुम सुपर नागिन बनी थी तो हमारी आंखें जल रही थी, इसीलिए। अब तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए ना भानु। मगर सबसे जरूरी जवाब अभी तक नहीं मिला। हम हमारी बेटियां, हमारी बुलबुल, हमारी सरगम, वो दोनों का है बच्चे। ये मायावी खंजर है, इसे ले जाओ और उस बुड्ढे के सीने में उतार दो। हाँ? और दे दो उसे इस दुनिया से आजादी। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।